सकते हैं, ये बेचारे बहुत गरीब हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये कुछ नया होने वाला है वीडियो में, क्योंकि कल मेरा एक दोस्त यानी बंगाली थोड़ा सा बहुत गरीब आदमी है, तो उसका सऊदी कुछ ला के नहीं देता था, बोला था सब्जी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है मैं ला के दूंगा, ले जाएंगे उधर साथ में जाएंगे। अरे आपको वीडियो में दिखा होगा, मैंने डाला था वीडियो उस कि बंगाली हमें देख के रोने लगा, वही वीडियो है। तो हालांकि आज जाएंगे उसके पास, लेके जाएंगे, हमारे पास खीरा है बैंगन है तो उसको देंगे। कल मैं गया था उस साइड तो बोलने लगा यार भाई कुछ खाने के नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा गरीबों की मदद करनी चाहिए, थोड़ा देखते हो जिसे हमारे पास नहीं है तो कोई दे देता है और उसके पास नहीं है तो हम देते देते हैं। अच्छी बात रहती भाई, एक दूसरे की कम से कम मेहनत करना चाहिए सब। अगर आपको अगर कोई गरीब मांग रहा है आदमी, कोई जैसे का जैसे गरीब तो हम ही है भाई, गरीब तो कहते नहीं जो जो विदेश आया है वो पहले वहाँ गरीब ही था, तो गरीब आके यहाँ गरीब कहते ना, गरीब होते मतलब गरीब हैं तभी तो आए हैं, अमीर होते तो ना आते भाई। ठीक है, यही सही सीधी बात है भाई। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, चलेंगे अभी उसको लेके दिखाएंगे भी क्या क्या ले चले हैं। तो दोस्तों चलिए रूम में निकालते हैं फ्रिज से क्या है। ये छोटा सा रूम मेरा है, ये है खीरा, ले लेंगे खीरा थोड़ा सा उसके लिए। ये तो आलू तो उसके पास है, बोला आलू है हमारे पास, चार चार ही बैगन ले लेंगे। ये बैगन है चार, ओके चार बैगन ले लेंगे उसके लिए। और ये खीरा है ले लेंगे, चलिए ले लेंगे 20-25 खीरा, तो ताकि हो जाए उसको, गरीब आदमी थोड़ा खा लेगा तो कहते नहीं हैं थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा, दुआ भी मिलेगी। अरे भाई चाहे जो धर्म का चाहे जो जात के हो आपको हेल्प करनी चाहिए, तो दोस्तों दे सकते हैं। मैं भी पॉलीथीन भरूंगा इसको ले चलूँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं जा रहा हूँ उसके पास, देखो ये ले लिया हूँ टमाटर बैगन खीरा। ये हमारे कबूतर हैं, ये खा रहे हैं खूब यानी रोटी। तो दोस्तों आना है दोपहर में, इसको पानी लगाना पड़ता है। ये देखो पेड़ है, मैं लगाया था सब्जी लगाया था, इतने बड़े हो गए, जब छोटे छोटे थे मैंने लगाया था, देख सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, चलते हैं इसको देते हैं बंगाली। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरा सऊदी आया साथ में। हेलो साउद, सलाम अलैकुम। आज आए हूँ साथ में चलने के लिए, देखने के लिए। आज नाश्ता भी लाए साथ में, खाएंगे। तो फ्रेंड मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये रोड है और ये जंगल टाइप के, देखो देख सकते हैं आप ही। आप पैदा पैदा जाएंगे, काफ़ी दूर है वो दिख रहा है ना, वहीं जाएंगे दोस्तों। पैदा पैदा थोड़ा सा थक जाते हैं, यहाँ से करीब 5 मिनट दूरी पे है वो दोस्तों। ठीक है पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं अभी क्या कर रहा होगा, उसे तो ऊँट कर रहा होगा, ऊँट वाला काम है ना उसके पास, तो वही करता होगा। इसे देख सकते हैं लोकेशन पीछे का, ये पूरा जैसे इंडिया का लोकेशन जैसा यहाँ है, एकदम सेम सेम वैसा है। बस वसा क्या है, यहाँ थोड़ा जंगल है बस ये। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ, दिख रहा होगा उसका ऊँट, देख सकते हैं ये उसका ऊँट, वो दिख रहा है खेमा। बस 5 मिनट और लगेगा। तो दोस्तों आप सब बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर पैदल चलना कितना इजी होता है, थोड़ा बताइएगा कमेंट कर। ठीक है दोस्तों, पैदल चलने में कितनी थकावट होती है, बहुत ज़्यादा पसीना फिर निकल जाता है दोस्तों ऊपर से नीचे तक। तो दोस्तों पहुँचते हैं तो मिलाते हैं बंगाली से। दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ उसके रूम पर, ये पास देखो एकदम नज़दीक में आ चुका हूँ। बोला आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छा आदमी है। वही देख सकते हैं उसका ऊँट है ये, अभी ये कुल बच्चा दिया है, एक कुल बच्चा दिया है और ये देखो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम नज़दीक पहुँचा है, वहाँ जुड़ रहा है, दिखाते हैं आपको बैक कमरे से, नहीं तो वैसे दिखाएंगे आपको। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, देखो हाथ धुल रहे हैं, काम ख़त्म हो गया, मेरा काम तो खत्म हो गया। तो कैसे जो सामान थोड़ा सामान आया आप लिए, बैगन है खीरा है, ये तो मैं नहीं खाता हूँ। तो दोस्तों मैं लाया उनके लिए, बोले कि बैगन नहीं खाता हूँ तो खीरा ले लेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो आदमी खाए ना खाए कोई दिक्कत नहीं, इतने दिन मेहनत लाए हैं बोले के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा रूम है, यानी कि मेरे दोस्त का। तो दोस्तों अभी बैठे हैं, देखते हैं भाई हैं। तो भाई और बताओ सब ठीक ठाक बढ़िया, कैसे हो?
मस्त है। तो नाश्ते में क्या किए भाई आज? अभी तक कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया नाश्ते में? क्यों, क्या क्या बनाए हो? कुछ नहीं बनाया, बनाएगा। अच्छा, नाश्ते में क्या करते हो अधिकतर? कुछ भी नहीं नाश्ते में। भाई बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं खाएंगे, बस एक घंटे दो घंटे बाद खाएंगे। भाई ने पानी दिया है, बहुत प्यार से पियेंगे। तो भाई हम जा रहे हैं भाई। तो ठीक, मैं जा रहा हूँ, वो उधर मेरे चले गए इसी वजह से। उसको देख सकते हैं बेचारे का की माँ। तो मैं यहाँ से फाइनल पानी पिया, थोड़ा गुड़ दिया, खा के जा रहे हैं, अब चलेंगे। मेरे ऊँट भाग गए दोस्त, इसी की वजह से मैं रुकना है तो रुकता है आधे घंटे एक घंटे, थोड़ा बातचीत करता उससे। तो बोला कि बैठो बैठो नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता नहीं बनाएंगे। वो बोला कि नाश्ता मैं करूँगा एक घंटे बाद। मैं ठीक है, नाश्ता तुम कर लो, मैं चला जाऊँगा। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ अभी, वो दूसरे लोकेशन पर दिखाएंगे कैसा क्या है, उसके बाद फिर वीडियो कनेक्ट करेंगे। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बर्लिन। बर्लिन ये बोलते हैं, ये जगह है बर्लिन। यहाँ पर तेल खुदाई की जो है ये तेल यहाँ खुदाई अंदर होती टंकी बनी है, तेल निकाला जाता है। क्या कहते हैं ये, इसके यहाँ जो रूम है अंदर तेल निकाला जाता है, करीब डेली निकलता है तेल। अरे बहुत टन निकलता है, रोड डेली निकालते हैं। यहाँ मशीनें लगी हैं काफ़ी, भी इसमें बंद है नहीं तो अंदर घुस दिखाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी पूरा काम करते हैं दोस्तों। ये लोकेशन वैसा है कि क्या कहते हैं ये बर्लिन, बर्लिन बोलते हैं यहाँ। अंदर जाने पे दिखाते हैं, मगर आपको दिखा नहीं पाएंगे, कभी दिखाएंगे आपको दूसरी वीडियो में जो आएगी मेरा ब्लॉग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो बंगाली से मिल लिया, उसको सामान भी दे दिया। मैं आ चुका हूँ दूसरे लोकेशन पर, तो चलते हैं बैठ के बताते हैं दोस्तों। क्योंकि उसके पास मैं अपना नंबर दिया था, उसके पास पैसा, समझ लीजिए उसकी हालत एकदम ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दोस्तों। क्योंकि उसके पास 4 या 5 महीने की सैलरी रुकी है उसकी, और क्या कहते हैं खाने के लिए भी थोड़ा उसके पास नहीं है। बोला है चावल लाने के लिए, चावल और आटा। मैं हो सकता हूँ कल शाम को उससे चावल या आटा पहुँचाऊँगा दोस्तों। देखो दोस्तों, चाहे जो भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बस सत्य यहाँ सऊदी में अगर आ जाता कमाने के लिए तो दोस्तों थोड़ा सा तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, तो उसको आदमी खिलाना चाहिए। तो दोस्तों हालांकि वो आदमी बहुत गरीब है, अपना नंबर दे के आया हूँ, क्या बोलते हैं मतलब कि व्हाट्सएप नंबर पहले तो दिया था, लोकल नंबर, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ ताकि वो हमसे शेयर कर सके हर चीज़ बात, फ़ोटो भेज सके हर चीज़। तो इसी वजह से मैंने उससे सब दिया। मैं कल जाऊँगा उससे चावल या आटा दूँगा दोस्तों। दोस्तों आइए बैठते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दूसरे लोकेशन पर, देख सकते हैं आपके कैसा नज़ारा है पीछे का। ये जहाँ पहले मैं और सूडानी यहाँ बैठता था, सूडानी से झगड़ा हो गया, सऊदी से वो चला गया घर, इसी की वजह से वो आता नहीं। मैं फ़ोन करता हूँ, मैसेंजर पे उठाता है, थोड़ा बात करता है, रख देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता वो अब। पहले था तो मैं नाश्ता वास्ता लाता था और साथ में खाते थे, तो थोड़ा अच्छा था, इसे वो भी चला गया घर। हाँ, सऊदी से झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, पटकी पटका हो गया, यानी मतलब बहुत मार मारा हुआ सऊदी से, इसी की वजह से चला गया घर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पीछे करा जा रहा पेड़ है, ये कबूतर का ये मजरा है, कबूतर इसमें रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे लिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कन्हैया भाई के लिए। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और जोश के साथ। तब तक की जय हिंद जय भारत।